वेलकम ऑल। आज अपन बीकॉम सेकेंड ईयर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक है आपके कॉस्ट अकाउंटिंग बुक का। टॉपिक का नेम है लेबर कॉस्ट कंट्रोल। यहाँ पे नाम आया लेबर का, तो ये लेबर कौन होते हैं? अगर अपन रियल लाइफ में बात करें तो लेबर का मतलब होता है ये वो इंसान है जो कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। बट इकोनॉमिक्स में और यहाँ पे लेबर का मतलब होता है फैक्ट्री वर्कर प्लस ऑफिस एम्प्लॉय। यहाँ पे जो एम्प्लॉय ऑफिस में काम कर रहे हैं, जिनको सैलरी मिल रही है, वो भी आपके लेबर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये देखा अपन ने कि लेबर का मतलब क्या होता है। आगे देखते हैं अपन कि लेबर टर्नओवर क्या होता है। अगर अपन टर्नओवर का मतलब देखें फाइनेंस के अंदर, इसका मतलब होता है रेवेन्यू सेल्स। बट यहाँ पे अगर अपन लेबर टर्नओवर को साथ में पढ़े तो इसका मतलब कुछ और निकल के आता है। तो क्या निकल के आता है इसको देखते हैं अपन अभी। इट इंक्लूड्स नंबर ऑफ लेबर हु लीव अ कंपनी एंड नंबर ऑफ लेबर रिक्रूटेड इन प्लेस ऑफ देम। लेबर टर्नओवर का मतलब ये होता है कि इसमें वो लेबर जो कंपनी छोड़ के जाते हैं वो आते हैं, और जो कंपनी छोड़ के गए हैं उनकी जगह जो नए लेबर आते हैं वो इसमें आते हैं। तो लेबर टर्नओवर का मतलब हुआ कि जो लेबर कंपनी छोड़ के जाते हैं और वो लेबर जो इनकी जगह पे आते हैं वो अपना होता है लेबर टर्नओवर। ऑल राइट, तो अभी अपन ने देखा लेबर क्या होता है, लेबर टर्नओवर क्या होता है। अब इस चैप्टर का जो आपका प्रैक्टिकल पार्ट होता है, दैट इज लेबर टर्नओवर रेशियोज। तो लेबर टर्नओवर रेशियो में जो आपका मेथड नंबर वन है उसका नेम है सेपरेशन मेथड। तो इस सेपरेशन मेथड में आपको क्या निकालना होता है, तो आइए इसको देखते हैं अपन। इसमें निकालना होता है आपको लेबर टर्नओवर रेट। अभी लेबर टर्नओवर रेट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आइए देखते हैं अपन इसको भी। नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट ड्यूरिंग अ पीरियड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग दैट पीरियड इनटू 100। तो यहां पे जो ऊपर वाला पार्ट है वो बात कर रहा है कि आपकी कंपनी में, आपकी फैक्ट्री में से कितने वर्कर छोड़ के जाते हैं वो आपका आता है ऊपर, और नीचे आपका आता है एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। ये एवरेज नंबर ऑफ वर्कर निकालने का फॉर्मूला क्या बनता है, बड़ा सिंपल सा होता है। नंबर ऑफ वर्कर्स एट द बिगनिंग ऑफ अ पीरियड प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स एट द एंड ऑफ अ पीरियड अपॉन 2। तो या तो आपके महीने में जो बिगनिंग में जो वर्कर थे उनमें आप ऐड कर लो, जो आपके मंथ में नंबर ऑफ वर्कर थे उनको डिवाइड कर दो आप 2 से, तो वो निकलता है आपका एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। तो सेपरेशन मेथड में लेबर टर्नओवर रेट निकालने का फॉर्मूला बनता है कि कितने वर्कर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते हैं वो तो आता है ऊपर, नीचे आपका आता है एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। इसको निकालने का फॉर्मूला अपन ने यहां पे देख लिया है अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब ओके, तो अब जो आपका सेकेंड नंबर का मेथड है उसका नेम है रिप्लेसमेंट मेथड। यहां पे फोकस करा गया रिप्लेसमेंट वर्ड के ऊपर। ओके जी, इसमें क्या निकालना होता है आपको, इसमें भी निकालनी होती है आपको लेबर टर्नओवर रेट। तो लेबर टर्नओवर रेट निकालने का फॉर्मूला क्या बनता है आपका, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस ड्यूरिंग द पीरियड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग दैट पीरियड इनटू 100। तो फॉर्मूले का जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या होता है, वो क्या बता रहा है आपको, वो बोल रहा है, इसको अपन देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। जनवरी के मंथ में आपके 50 वर्कर जो थे वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के गए, उनकी जगह कंपनी 30 वर्कर को रिक्रूट करती है। तो जितने वर्कर आपके छोड़ के जाते हैं उनकी जगह जितने नए वर्कर आते हैं उनको अपन बोलते हैं कि वो उनका रिप्लेसमेंट है। तो यहां पे जो अपना 30 वर्कर है वो आपका फॉर्मूले में ऊपर की साइड आएगा। सिंपल था।
अब नीचे अगेन जो आपका सेपरेशन मेथड में था, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, जिनको निकालने का आपका फॉर्मूला क्या बनता है, नंबर ऑफ वर्कर एट द बिगनिंग ऑफ पीरियड प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स एट द एंड ऑफ पीरियड अपॉन टू। अब रिप्लेसमेंट मेथड में एक और इंपॉर्टेंट नोट है, ये नोट आपको बताता है न्यू वर्कर्स अपॉइंटेड फॉर एक्सपेंशन प्रोग्राम आर नॉट कंसिडर्ड फॉर दिस कंप्यूटेशन। अब इस नोट का मतलब क्या होता है, इसको अपन एक क्वेश्चन में देखने वाले हैं, तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा अभी। ऑल राइट, तो अब जो अपना थर्ड नंबर का मेथड है उसका नेम है फ्लक्स मेथड। ये फ्लक्स मेथड क्या होता है, या आपका जो सेपरेशन मेथड होता है और जो रिप्लेसमेंट मेथड होता है उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसमें भी आपको निकालनी होती है लेबर टर्नओवर रेट। अब इसके फॉर्मूले में क्या आता है, नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस ड्यूरिंग दैट पीरियड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग दैट पीरियड इनटू 100। तो इसमें जो लेबर टर्नओवर रेट निकालने का फॉर्मूला बनता है, ऊपर की साइड इसमें आता है आपका सेपरेशन, जो आपका सेपरेशन मेथड में था, प्लस रिप्लेसमेंट, जो आपका रिप्लेसमेंट मेथड में था। ठीक है जी, अब इसको निकालने का एक और आपका फॉर्मूला बनता है कि जो आपका सेपरेशन मेथड से जो आपका आंसर आता है उसमें आप ऐड कर दो जो आपका रिप्लेसमेंट मेथड से आंसर आता है, तो ऑटोमेटिकली जो आपका फ्लक्स मेथड से जो आंसर आएगा वो आपको मिल जाएगा। तो ये अपन ने देखे कि लेबर टर्नओवर रेशियोज कौन कौन से होते हैं। इसके अपने तीन मेथड होते हैं, सेपरेशन मेथड जो बात कर रहा है कि आपके वर्कर कंपनी छोड़ के गए, सेकंड मेथड बात कर रहा है रिप्लेसमेंट मेथड की, इसमें क्या आता है जो वर्कर कंपनी छोड़ के गए उनमें से कितनों को रिप्लेस करा गया है। देन आपका आता है थर्ड फ्लक्स मेथड, या आपका सेपरेशन मेथड और रिप्लेसमेंट मेथड का कॉम्बो होता है। चलिए जी, तो ये तो पढ़ लिया अपन इसका थ्योरिटिकल पार्ट, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, आइए इसको अपन करते हैं अभी। कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट एंड इक्विवेलेंट एनुअल रेट्स अंडर डिफरेंट मेथड्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो यहां पे आपको कैलकुलेट करना है क्या, लेबर टर्नओवर रेट एंड इक्विवेलेंट एनुअल रेट। तो ये जो इक्विवेलेंट एनुअल रेट होती है इनके फॉर्मूलेज अपन ने नहीं पढ़े हैं, बट बहुत सिंपल होते हैं। अगर आपने लेबर टर्नओवर रेट निकाल लिया तो आप इसको भी निकाल लोगे फिर। चलिए अब देखते हैं अपन क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ने बता दिया नंबर ऑफ वर्कर ऑन 1 जनवरी 950, नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन 31 जनवरी 1050। तो ये जो आपको बिगनिंग में मिल रहे हैं वर्कर और एंडिंग में मिल रहे हैं वर्कर, इसका यूज क्या होगा। अगर आपको याद हो जो आपके तीनों फॉर्मूले थे उन फॉर्मूले में जो नीचे आता था वो आपका होता था एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, उसका फॉर्मूला क्या बनता था, ओपनिंग में कितने वर्कर हैं और क्लोजिंग में कितने वर्कर हैं, इन दोनों को आप ऐड करो अपॉन टू करो, तो इससे क्या निकलेगा अपना एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। चलिए जी अब आगे देखते हैं अपन, नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट द फैक्ट्री इन जनवरी इज 10। तो जितने वर्कर जो फैक्ट्री छोड़ के गए हैं खुद से वो बता दिया गया 10 है वो। देन आगे बता दिया गया नंबर ऑफ वर्कर डिस्चार्ज इन जनवरी इज 30। देखिए अगर कोई वर्कर कंपनी छोड़ के जा रहा है, या तो वो खुद छोड़ के जाएगा या कंपनी वाले उसको निकालते हैं, तो ये दोनों आपके किस में आते हैं, या आपके आते हैं सेपरेशन मेथड में, और सेपरेशन मेथड का जो फॉर्मूला होता है उसमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसमें क्या आता है अपना, उसमें आता है नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट ड्यूरिंग अ पीरियड, कितने वर्कर अपनी कंपनी छोड़ के गए हैं, तो या तो वो अपनी इच्छा से गए या उनको कंपनी वालों ने निकाल दिया।
चलिए जी, तो एक काम करते हैं अपन, पहले अपन सेपरेशन मेथड से अपना आंसर निकालते हैं। तो सेपरेशन मेथड में लेबर टर्नओवर रेट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? सेपरेशन अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर आपने निकाल लिए होंगे, 950 आपके बिगनिंग में थे, 1050 आपके क्लोजिंग में है, अपॉन टू पे निकल गया आपका 1000। अब आपको निकालना हो कितने वर्कर छोड़ के गए, तो क्वेश्चन में आपको साफ साफ यहां पे बता दिया कि खुद ने तो छोड़े 10 वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट द फैक्ट्री इन जनवरी 10, नंबर ऑफ वर्कर्स डिस्चार्ज इन जनवरी 30। तो 10 + 30 ये आपका हो गया 40। तो ये देखिए आप, ये 40 हो गया, आपको LTR निकालना है, तो 40/1000 × 100 ये निकल गया आपका 4%। तो जनवरी मंथ में लेबर टर्नओवर रेट सेपरेशन मेथड से आपका निकलता है 4%। अब क्वेश्चन में आपसे आगे पूछा था, एक आपको निकालना है इक्विवेलेंट एनुअल टर्नओवर रेट। ये जो आपका आंसर आया 4%, ये आपका निकला है जनवरी मंथ का। अगर कोई आपसे पूछे कि पूरे साल भर का कितना होगा, तो वो भी निकाल लेंगे अपन अभी। देखिए आप, अगर 4% आपका एक महीने का है, तो 12 महीने का कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, ये निकल गया अपना 48%। गॉट इट? चलो आगे देखते हैं अपन। अब सेकंड होता है अपना रिप्लेसमेंट रेट मेथड। इसका फॉर्मूला होता है LTR निकालने का, एक्चुअल नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट। अब ये थोड़ा देखने वाला पार्ट है कि यहां पे क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट कितने हैं, तो इसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा क्वेश्चन के बिल्कुल एंड के अंदर, वर्कर्स रिक्रूटेड इन द मंथ इंक्लूडिंग 120 फॉर एक्सपेंशन इज इक्वल टू 140। तो टोटल वर्कर जो जनवरी मंथ में आपने रिक्रूट करे हैं, वो आपके हैं 140। 140 में से जो आपके 120 वर्कर हैं, वो क्यों आए हैं, इसके पीछे का आपका रीजन होता है कि आपने एक्सपेंशन करा है। देखो, तो आपकी एक कंपनी है, आपकी एक फैक्ट्री है, तो आपने एक और फैक्ट्री खोल ली। अगर आप एक और फैक्ट्री खोलोगे, तो आपको नए वर्कर चाहिए होते हैं। तो 140 जो आपकी कंपनी में नए वर्कर आए हैं, उसमें से 120 तो आपके नई फैक्ट्री खोलने के रीजन से आए हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि जो अपना नोट था, अपना नोट कहाँ पे गया? मेरा ये जो अपना नोट है, इसमें क्या लिखा हुआ था? इसमें लिखा हुआ था न्यू वर्कर अपॉइंटेड फॉर एक्सपेंशन प्रोग्राम आर नॉट कंसिडर्ड फॉर दिस कंप्यूटेशन। अगर आपने एक्सपेंशन करा है और एक्सपेंशन में आपके नए वर्कर आते हैं, तो उनको अपन नहीं लेंगे। टोटल आपके आए हैं जनवरी मंथ में 140, 140 में से 120 आए हैं एक्सपेंशन में से, तो एक्चुअल में कितने आए? तो एक्चुअल नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट आपका कितना होगा? 140 - 120, जो आपका निकलता है 20। अब लगा दीजिए फॉर्मूला। फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है LTR निकालने का, रिप्लेसमेंट अपॉन जो आपका एवरेज है 1000 × 100, ये निकल गया आपका 2%। अगर 2% आपका मंथ का है, तो साल का कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 12 से, तो ये निकल गया आपका एनुअल टर्नओवर रेट, दैट इज 24%। ओके जी, अब देखते हैं अपन फ्लक्स मेथड में क्या होता है। फ्लक्स मेथड आपका सेपरेशन मेथड और रिप्लेसमेंट मेथड का कॉम्बो होता है। तो यहां पे LTR निकालने का फॉर्मूला होता है सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट अपॉन एवरेज। तो आपके जो सेपरेशन थे, वो आपने निकाल लिए थे 40, और जो आपके रिप्लेसमेंट थे, वो भी आपने निकाल लिए थे कितने, 20। तो 40 + 20/1000 × 100 ये निकल गया आपका 6%। फ्लक्स मेथड से क्या होता है कि जो आपका सेपरेशन मेथड का आंसर आता है और जो आपका रिप्लेसमेंट मेथड का आंसर आता है, उनको आप ऐड कर दो, तो वो भी आपका कितना आएगा, 4% आया आपका सेपरेशन मेथड से, 2 आया आपका रिप्लेसमेंट से, टोटल कितना हो गया आपका 6% निकल गया ये भी। अब पूरे साल का निकालना हो, बड़ा सिंपल सा है, मंथ का इतना है, तो साल के निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दो, निकल गया आपका 72%।
ऑल राइट, तो ये जो अपना लेबर टर्नओवर रेशियो वाला चैप्टर होता है, इसको अपन ने आज की आज ही फिनिश कर दी। बहुत सिंपल था ये वाला। अगर कोई आपको डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अपन कल। धन्यवाद।